नवरात्रि के दिन शुरू होते ही महानगर में श्रद्धालु भक्ति भाव से जगत जननी मां दुर्गा के दर्शन पाने के लिए पंडालों में उमड़ पड़ते हैं। महानगर में मां दुर्गा प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा सर्वप्रथम बंगाली समाज ने शुरू किया था। सिविल अस्पताल में डॉक्टर जगदीश्वर राय द्वारा वर्ष 1907 में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा शुरू हुई थी। कोलकाता के मूल निवासी होने के कारण डॉक्टर राय जब सिविल अस्पताल में आए तो उन्होंने ही इस परंपरा की शुरुआत किया। उस समय महानगर में मां दुर्गा प्रतिमा नहीं बनता था तो बनारस से मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर स्थापित किया जाता था। 1952 में दुर्गा बाड़ी परिसर में परंपरागत तरीके से विधिवत पूजा अर्चना करके मां दुर्गा को एक स्थान दिया गया, तभी से दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई। महानगर में आज हजारों जगहों पर विभिन्न तरह से पूजा अर्चना कर इस पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। दुर्गा बाड़ी के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा दीवान बाजार, घासी कटरा, गोलघर और रेलवे बालक इंटर कॉलेज में संचालित किया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे यह प्रथा आगे बढ़ी और आज हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां दुर्गा की प्रतिमा बैठाकर पूजा अर्चना करते हैं। महानगर में बहुत सी ऐसी जगह है जहां इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई जाती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए श्रद्धालु और आयोजकों ने कहा, लगभग 25 साल हो गए मेरे को आते हुए यहाँ, और ये सबसे पुरानी प्रथा है यहाँ पे, और विगत करीब 50 साल से ऊपर हो गया इनको मैं यहाँ पे दुर्गा पूजा बनाते हुए। यहाँ पे भोग की भी व्यवस्था बहुत अच्छी रहती है और प्रसाद समय समय पे मिलता है, फौजी खेली जाती है, मनोरंजन के सारे कार्यक्रम होते हैं, काफ़ी भक्तिगण होते हैं। बिल्कुल ऐसी पहन आरपी सिन्हा दीपिका, मैं काफ़ी साल से यहाँ आ रही हूँ, मैं यहीं पर रहती हूँ और यहाँ हमेशा मैं आरती में हर चीज़ में आती रहती हूँ, सारी आरती अटेंड करती हूँ, सब कुछ। रात में धूप आरती होती है यहाँ, वो भी मैं अटेंड करती हूँ रात में 9 बजे। हाँ, काफ़ी इंजॉय वो क्या जी, मैं बहुत अच्छे से इंजॉय करती हूँ। ये 1907 से ये स्टार्ट हुआ है और पहले ये सिविल हॉस्पिटल में ये बैठाई गई थी। वहाँ एक डॉक्टर जगदीश्वर राय थे, वो कलकत्ते से आए थे, कोलकाता से, और वो वहाँ पर कोलकाता में दुर्गा पूजा देखते थे। यहाँ पर नहीं होता था तो उनको कुछ लगा कि यहाँ भी होना चाहिए, इसलिए उन्होंने प्रारंभ किया दुर्गा पूजा। फिर वो सिविल हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, उन्होंने फिर उसको पूजा को कंटिन्यू किया। बीच में प्लेग आने से थोड़ा दिन रुक गया था, फिर उसके बाद ये दीवान बाज़ार में और फिर उसके बाद चरणलाल चौराहे पर ऐसे दुर्गा पूजा होते हैं। 1952 में यहाँ पर केदारनाथ लहरी डॉक्टर थे यहाँ पर गोरखपुर में, तो उनको माधव प्रसाद रईस ने उनको ये ज़मीन दिया और चूँकि गड्ढे रूप में था, उन्होंने कहा इसको बनवा दीजिए और इसमें आप दुर्गा पूजा कीजिए, रोज़ रोज़ आप इधर उधर करते हैं इसलिए आप दुर्गा पूजा यहीं कीजिए। तो फिर दुर्गा पूजा यहाँ पर प्रारंभ हुआ और 1952 से इसी बिल्डिंग में दुर्गा पूजा हो रहा है। पहले इस दर वाली बिल्डिंग में होती थी, अब उस बिल्डिंग में होती है, तो इस प्रकार का दुर्गा पूजा चल रहा है। मान्यता असल में क्या है कि और जगह गोरखपुर में जितनी जगह पूजाएँ तो गोरखपुर में बहुत जगह होती हैं, मूर्ति बहुत लोग बैठाते हैं और पंडाल भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन पूजा का कोई नियम जो है वो नहीं करते हैं। यहाँ ही पर एक ऐसा है जहाँ पर बाहर से पंडित आते हैं और पूजा नियम पूर्वक समय से होता है। गोरखपुर में हमें ऐसे कहना नहीं चाहिए लेकिन लगभग सभी पूजा में समय का पालन नहीं किया जाता है, लेकिन यही हमारे दुर्गा बाड़ी के पूजा में पालन करने से क्या लोगों का भक्त लोगों को एक मान्यता मिल रहती है कि यहाँ पर कुछ मनौती करने पर हमें
सफलता मिलेगी, इसलिए यहाँ पर लोग आते हैं और इसकी मान्यता इसी प्रकार है। 19 तारीख को विसर्जित होगी, ये अपना विसर्जन वही मेला रूट से जैसा है उसी रूट से मेला जाएगा, नौसठ से आगे चला जाएगा, फिर आगे उधर जाके विसर्जित होगी। डॉक्टर अमरनाथ चटर्जी, अध्यक्ष बंगाली समिति दुर्गावड़ी। बहुत स्वागत है आपका गोरखपुर शहर से। मैं आ चुकी हूँ इसमें बख्शीपुर चौराहे पे, और जैसा कि यहाँ भव्य पांडाल आप सभी के सामने देखने को मिल रहा है, मैं आ चुकी हूँ भक्तजनों के बीच में, और काफी आकर्षक माँ दुर्गा की प्रतिमा यहाँ दिखाई दे रही है जो मन को मोह ले रही है, और इतनी आकर्षक है कि मन कर रहा है इसमें लीन हो जाए। पूरा शहर भक्तिपूर्ण माहौल में डूब चुका है। तो आइए, हमारे साथ कुछ भक्तजन है जिसमे पूछती हूँ कि ये लोग कहाँ से आए हैं और कितनी उत्साह के साथ कितने दिनों से तैयारियां कर रहे थे माँ दुर्गा की। जैसा बता दें आपको कि शारदीय नवरात्र बुधवार से शुरू हुआ और ये अपने अंतिम पड़ाव पे चल रहा है, ये 3 दिन का जो लास्ट चल रहा है, ये बहुत ही आनंदमय और उत्साहित करने वाला दिन होता है। तो हम सभी जुड़ चुके हैं यहाँ पे हमारे स्थानीय नगरवासी और कुछ लोग जो दूर से आए हैं, तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने किया और आज के दिन के लिए। सर, आप कहाँ से हैं? कुशीनगर। कुशीनगर से आए हैं, तो क्या आपके मन में चल रहा था आज के दिन के लिए, कितनी तैयारियां की थी आपने? साल भर। अच्छा, तो क्या कुछ आपको यहाँ आकर्षण का केंद्र बना है इसमें? मैम, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है आके, कुशीनगर से आके बहुत यहाँ पंडाल अच्छा लगा सजा है, कि लोग देख के मन में इतना उत्साह है कब स्टार्ट हो के ये भव्य पंडाल देखा जाएगी। ये काफी उत्साहित हैं कि कब स्टार्ट हो। स्वचलित मूर्ति है जैसा कि बता दें आपको, और यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि इको फ्रेंडली मूर्तियां बैठाई जा रही हैं, तो इको फ्रेंडली होने के नाते ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा है, जैसा कि हम सभी इसके लिए जागरूक हैं। और आइए बात करते हैं, हमारे साथ एक और महिला जी हैं, आइए। ये भी बाकी भक्त दिखाई दे रही है, काफी पूजा वगैरह इन्होंने किया हुआ है। तो आप कहाँ से आई हैं? हम जटेपुरिया लोकल से हैं। अच्छा, ये लोकल से आई हुई हैं, और क्या कुछ किया आप, व्रत है इस समय? जी, हम नवरात्र का 9 दिन का व्रत है। बहुत अच्छी बात है, नवरात्र की ये माँ की बहुत बड़ी भक्त लग रही है मुझे। तो क्या कुछ आपको आकर्षक केंद्र यहाँ पे दिखा? बहुत आकर्षक केंद्र है, मैं बहुत दिनों से चाह रही थी यहाँ आने के लिए, और अब मैंने यहीं पे आकर के मतलब इसको देखने के लिए बहुत उत्साहित भी हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे मिलके। मैं एक बार इनको बुलाना चाहूंगी, काफी उत्साहित लग रही है। प्लीज आप यहाँ आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कहाँ से आई हैं आप? हम अलीनगर से आए हैं। अलीनगर से आई हैं क्या? बहुत आप लोग भी उत्साहित दिख रही हैं, क्या कुछ देखने को मिला आपको यहाँ पे? नहीं, अच्छी मूर्ति है। अच्छी मूर्ति है। अभी मेरे ख्याल से आप इंतजार में हैं कि ये स्वचलित मूर्तियाँ कब से स्टार्ट होंगी। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं भक्तजनों की भीड़ लगी हुई है, और सभी इसी इंतजार में हैं कि कब मूर्तियों का, जो स्वचलित मूर्तियां हैं, कब से शुरू होंगी। तो जहाँ की हमने यहाँ के आयोजक से बात किया, तो यहाँ के आयोजक 7:30 बजे का जो समय है वो उन्होंने निर्धारित किया हुआ है, और हम भी यहाँ माँ के दर्शन के लिए तब से लाइन में खड़े हुए हैं। तब तक सोचा हमने कि भक्तजनों से बात कर ले जाए। हमारे पीछे बहुत सारे युवा मौजूद हैं, जो जानना चाहूंगी मैं इनके मन में कितने दिनों से उत्साह चल रहा था। तो क्या आप कहना चाहेंगे, माता के भक्त आप दिखाई दे रहे हैं, पूजा किया हुआ आपने, कब से लाइन में खड़े हैं? मैम, आधे घंटे से। आधे घंटे से चल रहा था, अभी कुछ दिक्कत हो गई होगी। अच्छा, चल रहा है, कोई दिक्कत हो गई होगी, कोई बात नहीं है। माँ देर करवाती हैं, तो जितना माँ देर करवाती हैं उतना ही फल भी देती हैं। तो आप कहना चाहेंगे क्या, कब से आए हुए आप? अभी आधे घंटे से आए यहाँ पे। कहाँ से आए हुए आप? हुमायूंपुर से। हुमायूंपुर से। यहाँ पे सभी स्थानीय लोग मौजूद हैं, बस माँ की जो बेसब्री से कहते हैं वो सब इंतजार कर रहे हैं कि माँ की प्रतिमा का संचालन कब से होगा, क्योंकि माँ यहाँ पे स्वचलित बैठती हैं। और एक बार आपको फिर से बता दें कि यहाँ पे इको फ्रेंडली मूर्ति बैठी हुई है, और ये लगभग 30 साल से यहाँ पे मूर्तियों की स्थापना की जा रही है, और स्वचलित मूर्ति जो है वो 20 साल से ये बैठा रहे हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं एक बार माँ की मूर्ति की तरफ, कि माँ का कितना सुंदर आकर्षण
रूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी माँ की प्रतिमा स्वचलित है, अभी शुरू होने में इसमें 7:30 बजे का टाइम है। बाल रूप में राम ने अपने भ्राताओं सहित अनेक लोग लुभावन लीलाएं की थी। राम का विवाह सीता के साथ संपन्न हुआ, परंतु खुशियों की ये क्षण अधिक समय तक नहीं जारी रहे। शीघ्र ही माता कैकेयी के हठ के कारण श्री राम को पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण सहित 14 वर्षों के लिए वनवास हेतु रवाना होना पड़ा। वनवास का 14 वर्ष और वन लंका नगरी साधु का माता सीता के पास कल्याण। देखिए माते, मैं ये रेखा पार नहीं कर सकता, कृपया आप ही रेखा पार करके मुझे भिक्षा दे दीजिए। वही लंकेश्वर श्री राम का संदेश लेकर आया। आप माता सीता को सादर श्री राम को लौटा दें। मेरे प्रभु अत्यंत दयालु और क्षमाशील हैं, वे आपको अवश्य क्षमा कर देंगे। वर्खवानर, उन वनवासियों का दूत वह वन की खाक छानने वाला राम इस त्रिकालदर्शी स्वर्ग पृथ्वी और पताल का स्वामी रावण को क्षमादान देगा। तू जाकर उन वनवासियों से कह दे मैं सीता को वापस नहीं करूंगा। लंकेश, ऐसा विवेकहीन हट तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगा। माता सीता का अपमान मेरे प्रभु सहन नहीं कर सकेंगे, इसीलिए अभी भी समय है। भगवान श्री राम से समझौता कर अपना और अपने कुल को विनाश से बचा लो। ब्रह्मा की सलाह पर इंद्र ने राम को चंडी की आश्विनी शुक्ल की षष्ठी सप्तमी अष्टमी और नौमी को पूजा कर दशमी को देवी का शास्त्र विधि से विसर्जन किया। हनुमान के लाए 108 नीले कमल राम ने माँ के चरणों में समर्पित कर दिए। परंतु ये क्या, वहां तो 107 ही कमल थे। देवी दल में भी एक ही कमल शेष न थे। ये कैसे परीक्षा माते, अब कहां से लाऊं एक और कमल? तुम्हें मार्ग दिखाओ माँ। कोई बात नहीं, मुझे भी तो लोग नील पद्माक्षी कहते हैं, तो मैं अपना एक नयन ही माँ जगदम्बे के चरणों में समर्पित कर दूंगा। माँ मेरी भेंट स्वीकार करो, माँ मेरी भेंट स्वीकार करो।
मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीष तुम्हारे साथ है। माँ का आशीर्वाद पाकर राम रावण से युद्ध करने चल पड़े। भयंकर युद्ध। रावण, ये मेरे और तुम्हारे बीच का संघर्ष नहीं बल्कि यह सत्य और असत्य का, पाप और पुण्य का संघर्ष है। हनुमान से कहा, ऐ बहन जी, क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे।